आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री धानुका जी, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी, सचिव श्रीमान श्याम शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारी गण, उपस्थित सज्जन माता भगिनी, डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्मशती के वर्ष का समापन कार्यक्रम यह है। तो सवा साल तो एक साल का ही होता है, इसके बाद 101 व 100 ऐसा चलेगा। मनाने की पद्धति सौवे साल को मनाने की है, इसलिए जन्मशती के कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। परंतु जिस कार्य में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने अपना जीवन लगा दिया, केवल अपने परिश्रम से नहीं तो अपने उदाहरण से उस कार्य को एक स्वरूप देने का नित्य निरंतर प्रयास किया, वो कार्य तो सदा चलता रहेगा। इसलिए ये जो हम जन्मशती मनाते हैं, अब जो काम करते हैं उनको तो ये अपेक्षा नहीं रहती और ये पता भी नहीं रहता कि ऐसा होने वाला है, परंतु उदाहरण हम सब लोगों के सामने आता है, उसका हम पुनर्स्मरण करते हैं, उस बहाने कार्य कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे चला, पहले दिन क्या थे, इसका स्मरण हो जाता है, तो आगे आने वाले समय में उस कार्य को बढ़ाने के लिए हमको एक पुख्ता पाथेय ऐसा मिल जाता है। अभी भारत विकास परिषद एक देशव्यापी संगठन हो गया है, तो सामर्थ्य बढ़ा है और इतने वर्षों के कार्य के कारण कार्य के प्रति एक विश्वास, कार्य की एक प्रतिष्ठा भी बन गई है। इसलिए ये सब सहायक होते हैं, इसलिए पहले जो काम करते थे, सौ परिश्रम करते थे तब एक कदम आगे बढ़ते थे, आज ये सब पुण्य अपने पास में आ गया है पूर्व के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण, तो हम 10 परिश्रम करेंगे और 100 कदम आगे जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाती है। किसी भी कार्य में पहले उपेक्षा होती है, विरोध भी होता है, बल्कि भारत विकास परिषद का कार्य ऐसा है कि इसमें कोई विरोध की गुंजाइश नहीं है, किसी से लड़ना वड़ना नहीं है। जो अच्छा है वो करते रहना है, सबको जोड़ना है और अच्छे भले काम करते रहना है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, हो भला समाज का वो काम सब किए चलो, इसमें विरोध की गुंजाइश बहुत कम रहती है। लेकिन फिर भी एक अवस्था वो भी है जिसमें से कार्य को जाना पड़ता है और फिर अनुकूलता आती है। अनुकूलता में ज्यादा चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि अब हम यशस्वी है, जयस्वी है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बन गई है, इसलिए जहां जाते हैं वहां वाहवाही तो होती ही है, जय जयकार तो होता ही है। उससे जैसे उत्साह बढ़ता है वैसे एक संभावना यह भी रहती है अहंकार भी बढ़ता है, और अहंकार सभी कार्यों को मारक होता है और विशेषकर सेवा में तो अहंकार बिल्कुल नहीं चलता।
इसे कहानी बताते हैं कि एक राजा थे, बड़े प्रजावत्सल थे, कुशल थे, शूर भी थे, बचाव भी अच्छा करते थे देश का, आक्रमकों को उत्तर देने के लिए लड़ाइयाँ जीतते भी थे, और लोगों के हित को जानकर उनके हित की बातें करते थे। तो जैसा आदर्श राजा होना चाहिए ऐसे वो राजा थे। और एक बार उनके मन में विचार आ गया, एक सन्यासी को, वो एक नया किला बन रहा था, वो दिखा रहे थे ऐसा ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। उस समय उसके मन में, उनके मन में विचार आया कि कहाँ से शुरू किया, मैं अकेला था, अब इतना सारा साम्राज्य हो गया, किले बन गए, कोई होगा क्या ऐसा राजा पृथ्वी तल पर जो इतने कठिन परिस्थिति में से और इतने अल्पावधि में इतना बड़ा काम कर सकता है। तो सन्यासी थे, वो अंतर्ज्ञानी थे, उन्होंने अपने हाथ में जो लाठी थी उनकी सन्यासी की, उससे वहाँ के एक पत्थर पर जोर से मारा ऐसे ही, तो पत्थर टूट गया। देखते तो पोल था, इसीलिए टूट गया लाठी के प्रहार से। अंदर पानी था और पानी में एक छोटा सा मेंढक भी था। तो सन्यासी राजा को कहते हैं कि महाराज, आप तो बड़ी चिंता करते हो जी, सारे प्रजा की इतनी, अब ये पत्थर के अंदर मेंढक बैठा है, उसके लिए पानी की भी चिंता आपने की है, बहुत अच्छा काम आपने किया। तो समझ गए कि पत्थर में पानी रखने वाला तो मैं नहीं हूं, जो सबकी चिंता करता है उसी के प्रभाव से मैं भी कुछ कर सक रहा हूं। तात्पर्य क्या है कि अनुकूलता में अहंकार से दूर रहने की चिंता करनी पड़ती है, और सुविधा बढ़ती है तो, सुविधा है तो कार्य के लिए भी सुविधा होती है, इसलिए सुविधाओं का उपयोग तो करना ही चाहिए। परंतु सुविधाओं की एक खराब आदत है, वो मनुष्य को सुविधा भोगी बनाती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये दोनों बातें ठीक होनी है तो अपने पूर्वज और एक संगठन के नाते अपना पूर्व चरित्र, इसको बार बार याद करना अच्छा रहता है। हमको 8वीं के क्लास में अंग्रेजी में एक कहानी थी, पाठ में, टेक्स्ट बुक में, आयाज नाम का एक वजीर था, एक सुल्तान का, और बहुत ही कुशल था, बहुत ही लोकप्रिय था, राजा के मन में भी उसके बारे में बहुत विश्वास, स्नेह, प्रतिष्ठा, सब कुछ था। और जैसे राजा के नाक का मोती बन गया था, इतना राजा उसको और जतन से देखता था। अब राजा का दरबार है, यानी वहाँ पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में तो जलने वाले होते ही है, आप जानते हो, तब भी थे, और इसलिए जलने वाले लोग भी थे उस पर, और इसलिए वो 24 घंटा इसकी कहाँ गलती होती है इस पर नजर गड़ाए थे। तो उनको ध्यान में आया कि ये राजा का वजीर रोज रात को 12 बजे मध्य रात्रि में उठ के शहर के परकोटे के चोर दरवाजे से कहीं एक जंगल में जाता है, और वहाँ एक खंडरनुमा मकान है, वहाँ अंदर जाता है, थोड़ी देर रहता है और वापस आता है। किसको मिलता है, क्या करता है पता नहीं, लेकिन इतना तो बस है, आधी रात उठकर किसी राज्य का वजीर क्यों जाएगा जंगल में खंडरनुमा मकान में, कुछ तो दाल में काला है। बस वो लग गए राजा के कान, राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा वो क्या हो नहीं सकता, आप आँख को आँख देखन आप निश्चित कर सकते, आप देख लो, हम बता रहे हो गलत बात नहीं है। तो बहुत मनाने के बाद राजा